मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की यह लाइनें बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनी भी होगी, लेकिन नागपुर के कौस्तुभ जोशी ने इसे खूब ठीक से समझा और साबित कर दिया है कि हौसलों के दम पर आसमान भी हासिल हो सकता है। 33 वर्षीय कौस्तुभ का कद भले ही छोटा है, लेकिन हौसला उसे कहीं ऊंचा। कुदरत की इस मार के बावजूद भी जीवन जीने की कला यदि सीखना हो तो इनसे सीखा जा सकता है। कौस्तुभ एक जाने माने फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने माया नगरी मुंबई जैसे शहर में अपना एक नाम और एक मुकाम बनाया है। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की चाह और लगन देख उनके परिवार वालों ने उनका पूरा साथ दिया। स्कूल हो या कॉलेज, अपने कद को लेकर उनको परेशानियां कहें या लोगों का छेड़ना काफी निराश करता था, लेकिन उनके कोमल स्वभाव ने सबको अपना बना लिया और वही दोस्तों ने आज तक उनका खूब साथ दिया। वो कहते हैं कि अगर कुछ करने की चाह और हौसला हो तो कोई कमी या मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी के स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है द रियल हीरोज। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं आती, आपकी जिंदगी में होगी, मेरी जिंदगी में भी ऐसी कई हर्डल्स हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर हम परेशानी को लेकर बैठ जाएंगे तो हमारे सपनों का क्या होगा। सपने तो आपने भी देखे हैं, सपने तो मैंने भी बहुत सारे देखे हैं। इन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है और सपनों को पूरा करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है हौसला। इन्हीं हौसलों की बदौलत और इसी हौसले की बदौलत माया नगरी जैसे शहर में अपना एक नाम बनाने वाले आज एक शख्सियत हमारे साथ हैं और उनका नाम है कौस्तुभ किशोर जोशी। कौस्तुभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कौस्तुभ जोशी जो हैं वो एक इवेंट फोटोग्राफर हैं, एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं। कौस्तुभ जी, हम शुरुआत से अगर शुरुआत करें कि बचपन में हर किसी का एक सपना होता है। yes, yes. आपने भी बचपन में बहुत से सपने देखे होंगे। अब आप एक बहुत अच्छा नाम है मुंबई जैसे शहर में, और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है। स्ट्रगलर्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा। आपने बचपन में सपना देखा था कि आप ऐसा कुछ फोटोग्राफी क्षेत्र में करने वाले हैं? नहीं, सच पूछो तो ऐसा फोटोग्राफी में ऐसा नहीं, लेकिन कुछ अलग करना है ऐसा सोचा था जी। लेकिन डे बाय डे एज अ एजुकेशन जैसे कंप्लीट हुआ तो उसके बाद अलग अलग हॉबी बदलती गई और फिर मुंबई में मैं हर बार जाता था, वहाँ पे मेरे मामा रहते हैं तो उनके यहाँ मैं हर वक्त ही जाता था, तो मुंबई का एक अट्रैक्शन पहले से ही था जी। लेकिन फिर मैं जहाँ पे इधर उधर देख के फिर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आया। अच्छा। और फिर हम जब ट्रैवलिंग वगैरह करते थे तो मैंने स्टार्टअप किया वहाँ से जी। लेकिन फिर बाद में एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग मैं मुंबई में ज्वाइन हुआ। अच्छा। और फिर वो इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हुआ। तो फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे क्या किया हुआ है? मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। अच्छा। नागपुर से। ओके। और फिर उसके बाद में मैक से डिप्लोमा किया है एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का। ओके। और उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर भी रहा है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर ही मैंने स्टार्ट किया। अरे वाह। और फिर बाद में ये सब डेवलप किया। कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती है, आपकी जिंदगी में ऐसी कई परेशानियां आई होंगी और आपने उसको टैकल किया। कैसी रही शुरुआत आपकी, अगर हम शुरू से, क्योंकि बचपन से जिंदगी जो होती है आसान नहीं रही होगी आपके, इसके बारे में थोड़ा बताएं। शुरुआत से ही मतलब कैसा कि हर एक चीज में बहुत ज्यादा कंसर्न रहता था घर वालों का, या फिर कर पाएंगे या नहीं, तो हर वक्त उसमें एक टेंशन रहता था। लेकिन वो करना ही है, ये मेरा अलग एक
व्यू रहता था जी. तो उसके लिए जो कुछ भी रहता था फैमिली से हेल्प रहता था अदर देन वो, और वो धीरे धीरे उन्होंने इनकरेज किया जी. उसके बाद ही ये सब मतलब धीरे धीरे डेवलप करके. नहीं तो मुंबई में जाना यही बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी. बिल्कुल, बिल्कुल. तो लेकिन वो आसानी से फैमिली के हेल्प से फ्रेंड्स थे जो कि मतलब ऐसा नॉर्मल रूटीन ही लगता था वो जी, तो उसमें से वो डेवलप होते. स्कूलिंग की लाइफ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए हर एक मोड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा. फैमिली ने तो आपको सपोर्ट किया लेकिन मैं कहूंगी कि आपके लिए जो एक जो जर्नी रही है वो अलग रही है. क्योंकि देखिए परेशानियां हर किसी में, लेकिन आपकी परेशानी शायद एक डबल मोड पे आ गई. और स्कूल से अगर हम शुरू करेंगे, स्कूल में टीजिंग बहुत होती, क्या आपने भी सारी चीजें देखी? हाँ वो सब ज्यादा देखा मैंने, वो फेस भी किया है. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुए, लोगों को समझते जाता है. लोगों को समझने के लिए टाइम लगता है, वो एक बार समझ जाते हैं तो फिर वो खुद ही अपने आप हेल्प करते हैं या फिर जो कुछ भी. तो वो दिक्कत पहले जाती थी लेकिन मेरा पहले से ही है कि फ्रेंडशिप नेचर है. जहाँ भी जाता हूँ तो मोस्टली फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो धीरे धीरे डेवलप. और वो होना भी चाहिए, रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते ही आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं. जी जी. फैमिली किस तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और आपके लिए कंसर्न उनका बहुत ज्यादा रहा होगा. क्योंकि एक माया नगरी जैसे शहर में जहाँ पर आज के युवा बहुत स्ट्रगल के लिए देखते हैं और हर कोई माया नगरी जाना चाहता है, तो आपका ये पीरियड कैसा रहा, कैसा सपोर्ट रहा और फैमिली में से किस तरह का फैमिली? एक्चुअली मेरे फादर एंड मदर दोनों भी वो मतलब उन्होंने मुझे ना नहीं बोला किसी चीज के लिए. ये सब मैंने ही देखा कि अपने को क्या करना है. मैंने अलग अलग जगह पे ट्राई किया, पहले नागपुर में भी जॉब के लिए ट्राई किया था एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड, बट वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वही कि कर पाएंगे या नहीं, इसलिए जॉब भी वो सोचते थे, इंटरव्यू भी क्लियर होते थे लेकिन वो कंसर्न पे नहीं. तो फिर मैंने कुछ अलग करने का सोचा, फिर मैंने वो आइडियाज बताए फैमिली को, तो उन्होंने पहले से ही कभी ना नहीं बोला कि ठीक है करना है तो फिर करके देखो, नहीं होता है तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं कुछ किया तो भी चलेगा, चलेगा भले तो, कोशिश करके देख. तो उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा था. फिर जहाँ पे मैं गया मुंबई में, वहाँ पे मामा मामी रहते, तो उन्होंने वो सब एक्चुअली एनकरेज किया फैमिली. तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर एक बार वहाँ पे सेट होने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आई. फिर अभी तो मुंबई नागपुर में हरदम ट्रैवल करता रहता हूं, वो तो है, वो तो वो ज्यादा हेल्पफुल. कब पहली बार आप मुंबई गए थे? वैसे एज अ फॉर कम मतलब जॉब के लिए मैं 2011-10 से मैंने वो चालू किया, वहाँ पे जॉब देखना चालू किया ग्राफिक डिजाइनिंग में. एंड फिर वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आए थे जी, तो नवी मुंबई साइड वहाँ पे. तो फिर 2-3 इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे फिर वो उन्होंने एक जगह पे एक्चुअली ये कहा उन्होंने, तो फिर वो धीरे धीरे फिर वहाँ पे जाके सेटअप वगैरह बनाना. फिर 1.5-2 साल मैंने वहीं पे जॉब किया था जी. वो एक न्यूज़पेपर ही था वहाँ पे. अच्छा. हाँ तो फिर वहाँ पे धीरे स्टार्ट करने के बाद फिर वो अलग अलग वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे एक्सप्लोरिंग के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, मतलब तुम्हारी हॉबी भी वहाँ पे अलग से डेवलप हो सकती है. तो वो एक थोड़ा सा नेचर वहाँ का अच्छा है, मुंबई का कल्चर कि वहाँ पे वो सब एनकरेज करते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू नागपुर. तो वहाँ पे वो धीरे धीरे करने के बाद फिर यहाँ पे ज्यादा डेवलप होने लगा कि नागपुर में भी ये अलग बन सकता है, वहाँ के कुछ आइडियाज है वो मैं यहाँ पे लेके आधा और डेवलप करके फिर वो धीरे धीरे ऐसा. जी जी. गौसम जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रिजेक्शन जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है. मैंने भी ऐसे कई रिजेक्शन देखे होंगे, हमारे दर्शकों में से कई लोग हैं जिन्होंने रिजेक्शन देखे होंगे. हम अगर एजुकेशन के बाद हम किसी अपने प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं तो रिजेक्शन एक बहुत बड़ा हिस्सा है. आपने रिजेक्शन देखे? हाँ रिजेक्शन मैंने कदम कदम पे देखे कि जहाँ पे कुछ चीज मैं सोचता था और करने गए तो पहले सबका यही कि नहीं ये नहीं हो पाएगा जी. तो वो अभी आप नहीं कर सकते या फिर आपको ये नहीं जमेगा जी. आपको ये पॉसिबल नहीं होगा. हाँ. तो ये मैंने मतलब स्कूलिंग से मतलब मेरी मतलब आप सब कह सकते कि हायर स्कूल से लेके वहाँ से कि ये नॉर्मल स्कूल में नहीं आप पढ़ सकते. हाँ. यहाँ से मैंने वो देखा, लेकिन वो भी मैंने किया 10th-12th भी वही से किया, ग्रेजुएशन भी नॉर्मल कॉलेज से. नॉर्मल लाइफ भी उनके लिए ऐसा लगता था कि ये टफ है आपके लिए, बट वो उनको एक बार करके दिखाने के बाद
लोगों को भी पता चलता है कि नहीं ये हो सकता है पॉसिबल। तो ये सब सिचुएशन हर एक सिचुएशन में आया था कि रिजेक्शन आपको फेस करना ही है, रिजेक्शन करने के बाद ही आपको एक्सेप्टेंस मिलता है, ये फर्स्ट थिंग है। तो किस तरह लेना चाहिए रिजेक्शन को, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो रिजेक्शन को बहुत ज्यादा हेवीली ले लेती है और बहुत जल्दी मोरल उनका डाउन हो जाता है। हाँ, और एग्रेसिवनेस भी उनका उसकी वजह से, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। लेकिन रिजेक्शन बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं, वही पेशेंस जो है वो थोड़ा कम होने लगा है actually। बहुत ज्यादा, मतलब यंगस्टर में तो ये खासियत है कि तो एक भी बार आपको रिजेक्ट कर दिया तो वो टूट ही जाते हैं actually। लेकिन रिजेक्शन आपको लेना है, वो सीरियसली लेना है, लेकिन उसको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए उससे। वो आपको बरकरार रखना है, जब तक आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस ये रखते हैं तो एज अ फोटोग्राफर पेशेंस लेवल इज मेरी ऑलवेज हाई रहती है कि कहीं भी चाहिए तो पेशेंस आपको चाहिए, एक साल दो साल, लेकिन आपको जितना पेशेंस रखते उतना ही आपको फल उसका जो है वो अच्छा मिलता है, या फिर वो ज्यादा बेटर मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। जी, पेशेंस तो बहुत जरूरी। दर्शकों, मैं आपसे तो यही कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं चीजें जैसा आप चाहते हैं वैसी ही उसी राह पर चले। हाँ। पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप सपने देख रहे हैं तो सपनों में पेशेंस होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आप बड़े सपने देखते हैं वहां पर आपको हर्डल्स भी बहुत सारे मिलते हैं, वो जानबूझ के मिलते हैं मुझे ऐसा लगता है, ताकि उससे आप लड़ते लड़ते अपने सपनों को हासिल कर पाए। आप जब मुंबई गए, क्योंकि मुंबई शहर आसान नहीं है, हम जैसे नागपुर कर्ज के लिए तो मुंबई बिल्कुल आसान, मुंबई बहुत फास्ट है इन एवरी एस्पेक्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो मुंबई में एक कदम रखना और स्पेशली आपके लिए इतनी चुनौतियां आपने देखी और मुंबई जैसे शहर में एक अपना नाम बनाना, शुरुआत के दौर की अगर हम बात करें तो कुछ शेयर कीजिए ना। हाँ, मुंबई में मतलब वही, पहले तो मुंबई को समझना ही एक बहुत बड़ी बात रहती है कि उनकी लाइफस्टाइल, उनका फास्ट रूटीन लाइफ जो है वो कैसे मैनेज करना, उसमें मुझे वो कैसे खुद को ये करना है, इन्वॉल्व करना है, वो एक धीरे धीरे मैं जाता था। मतलब पहले तो नवी मुंबई में रहता था, लेकिन धीरे धीरे मैं घूमता था, मुझे घूमने का शौक बहुत ज्यादा है, तो वो मैं हर जगह पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मोस्टली मैं अभी भी लोकल से ही घूमता हूँ वहाँ पे, तो जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वो धीरे धीरे समझने के बाद एक बार वो इतना इजी है कि मुझे अभी कभी कभी लगता है कि नागपुर का ट्रैफिक या फिर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है या फिर डिफिकल्ट लगता है एज अ कम्पेयर टू मुंबई की। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे जाने के बाद ही आपको वो, लेकिन आपको सिर्फ तैयारी होनी चाहिए कि ये अपने को करना ही है। अगर आप करने का सोचते हो तो मुंबई आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने वाला शहर है और वहाँ पे आप सक्सेस बहुत इजीली हासिल कर सकते हो, सिर्फ आपके हौसले और जो ये है विश्वास, वो मजबूत होना चाहिए। तो पेशेंस, हौसला, विश्वास, ये सारी चीजें अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कौस्तुभ जी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो सारी यंग जनरेशन के लिए जो सोचती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर निराश हो जाती हैं और फिर आगे बढ़ने के जो सपने हैं उसके ट्रैक से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आजकल की जनरेशन डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि
फट से किया तो अपने को ये सब किया, अभी मैंने इसका तुरंत मुझे रिजल्ट आना चाहिए और वो भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। निगेटिव की किसी की तैयारी ही नहीं रहती actually, है, निगेटिव भी उतना ही पॉजिटिवली लेना चाहिए एक्चुअली लोगों ने, तो ही वो अच्छा रहता है अपने लिए भी और वो आपका मॉरल भी अच्छा रखता है, इंस्पिरेशन भी आपकी बढ़ाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा बढ़ाता है अगर आप स्पोर्टिंग डे उसको लेते हो। और हर किसी दूसरे का कोई अलग नजरिया हो सकता है, ये समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा ही सच है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है तुमको, मतलब किसी भी सिटी में, नॉट ओनली मुंबई, बट ये आपको हर वक्त ध्यान में रखना है। जी, आपने जब जर्नी की शुरुआत की तो आप एज एन ग्राफिक डिजाइनर, आपने कहा कि आपने पहला जॉब एज एन ग्राफिक डिजाइनर किया, किस तरह से, क्योंकि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी? हाँ, मैंने नागपुर में सीखी थी, ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट थे यहाँ पे, बेसिक डिजाइनिंग थी, फिर बाद में मैं वहाँ पे जैसे वर्क एक्सपीरियंस था तो वहाँ पे वो धीरे धीरे वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, फिर उसके बाद मैंने मैक से डिप्लोमा किया प्रोफेशनली, एंड देन वो उसमें प्रोफेशनली डेवलप किया और स्किल्स, और फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ते हुए होते गए। फिर ग्राफिक डिजाइनर से सीधा कैमरा पकड़ना, कैमरा एक्चुअली कैमरा एज अ हॉबी थी, अच्छा, जो कि बाद में प्रोफेशन बन गया। अच्छा, तो हॉबी पहले से ही थी कैमरा की, क्योंकि मेरे यहाँ के भाई है वो भी वेल नोन फोटोग्राफर है, राजेश जोशी करके, तो वो उनका चलते रहता था इवेंट में, तो मैं देखते रहता था कभी कभी, तो वो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं था माइंड में, और फिर जैसे मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मेरा ट्रैकिंग ज्यादा बढ़ गया वहाँ पे, क्योंकि नियर बाय फोर्ट्स ज्यादा है मुंबई पुणे साइड में, तो हम वहाँ पे ग्रुप है गढ़वाट करके जो डेवलपमेंट और वो देखते हैं फोर्ट्स की, तो वहाँ पे हम जाते थे घूमने, तो फिर उस टाइम पे मोबाइल बहुत ही बेसिक कैमरा होते थे, तो और मोबाइल भी सिंपल होते थे, तो फिर मैंने एक डिजिटल कैमरा लिया था जब मैं, उसके बाद अंडमान निकोबार हम घूमने गए थे फैमिली के, तो वहाँ से मेन एक्चुअली कैमरा था, क्योंकि वहाँ का जो नेचर था अंडमान निकोबार साउथ साइड जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वो मैंने देखा, फिर घर वालों को भी पसंद आया, सबको ही पसंद आया, उसकी मैंने हार्ड कॉपी ली थी उस टाइम पे, तो वो फिर मैंने साइड बाय साइड सोचा कि अपन कर सकते हैं, तो फिर मेरा भाई वगैरह रहते हैं तो उन्होंने कैमरा गिफ्ट दिया था मुझे फर्स्ट टाइम, तो फिर वो वहां से हमने कैमरा लिया, फिर DSLR प्रोफेशनली लिया, फिर पहले फैमिली इवेंट्स ही हम करते थे, और धीरे धीरे फिर वहाँ से डेवलप होते होते फिर मुंबई नागपुर ऐसा चलता था, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था वहाँ का, कि उसके बाद आप में होल एंड सोल पूरा इसमें फिर मैंने कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे, हाँ, और उसमें क्या कि मैंने वर्कशॉप अटेंड किए फोटोग्राफी के थाने में, वहाँ पे दानिश पाटिल करके एक फोटोग्राफर है उनके, और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे वो डेवलप करते करते फिर उनके वर्कशॉप, उनके यहाँ पे मॉडल शूट्स होते थे, सेलिब्रिटी शूट्स करते हैं वो, तो एज अ सीखने के लिए हम जाते थे वहाँ पे लाइव शूट के लिए, तो वो जैसे डेवलप होते गया तो फिर मैंने खुद का इवेंट्स चालू किया, एंड 2015-16 में एज अ कंपनी मैंने रजिस्टर किया बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी करके, और उसके अंडर फिर मैंने टीम, मेरे जो दोस्त है जो एज अ टीम मेंबर्स मैंने ज्वाइन किया, सागर करके मेरा भाई, छोटा भाई है वो भी एज ए इंजीनियर है वो, एंड ही इज वर्किंग ऑल्सो, बट वो भी फोटोग्राफी डिप्लोमा लिया है उसने, तो वो भी साइड बाय साइड आता था कभी, तो ऐसा वो धीरे धीरे डेवलप होते, फिर फ्रेंड्स लोग उसे, फिर जितने भी सबको जैसे पता चल गया कि फोटोग्राफी किया है, तो फिर उनके इवेंट, शादियों के इवेंट्स, तो वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया। मुंबई में फोटोग्राफी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, अब तो हर शहर में फोटोग्राफी का जो क्रेज है वो बढ़ चुका है, और जब से मोबाइल फोन्स हाथ में आए हैं और मोबाइल फोन्स के जो कैमरा पिक्सल जो कहते हैं और जवाब देते हैं, तो वो तो माशाल्लाह क्या कहना, और आजकल तो हर गली मोहल्ले का लड़का जो है वो फोटोग्राफर, लड़कियां फोटोग्राफर बन गई, वो अच्छा फोटो खींचना जानते हैं, मोबाइल फोटोग्राफी तो बहुत आसान हो गई। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पैपराजी की एक टीम बहुत बड़ी है, सेलिब्रिटी फोटोग्राफी का क्रेज बहुत बड़ा है, आप जहाँ सेलिब्रिटी दिखा वहाँ की फोटो आप तुरंत सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये जो है पैपराजी का क्रेज आपको कभी नहीं लगा? एक्चुअली स्टार्टिंग में लगता था क्योंकि सब सेलिब्रिटीज वहाँ पे कहीं ना कहीं मिलते ही मिलते हैं एक्चुअली, तो बाद में ऐसा पता चला कि अरे नहीं, वो उनका रूटीन लाइफ है, नॉर्मल है वो। मुंबई का एक क्रेज ऐसा है अलग, अभी मैं इतने जगह पे इवेंट को गया हूँ, तो एज अ फिल्म इंडस्ट्री
के लिए ही मुंबई उनको पता है, अदर देन मुंबई ऑल ओवर इंडिया। तो उनको लगता है कि मुंबई से आए हैं, मतलब अरे फिल्म इंडस्ट्री से ही आए हैं। तो वो एक क्रेज अलग है उनका। तो वो लेकिन एक दो साल तक रहता है कि वहाँ पे स्टार्स के घर देखने के लिए, उनके घर के बाहर फोटोग्राफ खिंचाना, वो सब रहता है मुंबई में। लेकिन वो जब आपका नॉर्मल लाइफ बन जाता है तो फिर आपके लिए एज यूजुअल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जगह पे मिलते हैं सेलिब्रिटीज नॉर्मल लुक में, आप पहचानते भी नहीं है। तो वो पहले पहले रहता है। तो लेकिन बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ हमने काम भी किए, मराठी सेलिब्रिटीज के साथ भी इवेंट पे थे हम। तो वो बहुत सारी जगह पे फोटो शूट्स किए हैं। तो वो अभी मतलब नेचुरल हो गया, वो एकदम नॉर्मल लाइफ। जी, फोटोग्राफी में भी देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, पोर्ट्रेट हो गए, इवेंट्स हो गए, वेडिंग्स हो गई, प्री वेडिंग्स हो गई, आप किस में ज्यादा रुचि रखते हैं? मेरा एक्चुअली मेन जो है वो वेडिंग साइड में, वेडिंग एंड प्री वेडिंग्स। उसके बाद हम पोर्ट्रेट फैशन शूट्स भी करते हैं, क्योंकि मुंबई है तो एक्चुअली माया नगरी है वहाँ पे। एंड रिसेंटली वी स्टार्टेड कमर्शियल फोटोग्राफ्स, लाइक फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। ओके, या एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल कमर्शियल भी रहते हैं। ओके, तो वो और प्रोडक्ट शूट तो एज डिपेंड की वो कैसे रहते हैं। Okay. लेकिन बेसिक हमारा मेन जो है फोकस वो वेडिंग प्री वेडिंग्स एंड अभी कमर्शियल पे ज्यादा रहता है। वो तो एक्चुअली है कि कहते हैं ना कि रिसेशन हो या सेशन, शादी तो होती शादी, है yes. और शादी में फोटोग्राफी तो होती होती है, और आजकल प्री वेडिंग फोटोग्राफी का बड़ा क्रेज है, बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, मुंबई में तो क्रेज अलग, मुंबई में तो बहुत ही ज्यादा था। लेकिन मैं पहले पहले की बात है, जब 2016-15 की बात है, तब वो वहाँ पे बहुत हाई पे था। अच्छा। और जब मैं नागपुर आता था तो यहाँ के क्लाइंट्स को मैं रिकमेंड करता था कि ऐसा कुछ करवाना। हाँ, तो लेकिन वो उनको या फिर उनके फैमिलीज को वो थोड़ा डिफरेंट लगता था। अच्छा, कि वो इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर हमने वो यहाँ पे स्टार्टिंग किया, यहाँ पे नागपुर सिटीज के अराउंड घूम के या फिर इनसाइड सिटी, और वो धीरे धीरे अभी नागपुर में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सराउंडिंग रिसोर्ट्स एंड ऑल पे वो बहुत होता है प्री वेडिंग्स। इवन इंडस्ट्री इज एक्चुअली ग्रोइंग इन नागपुर, एंड आई वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ इट कि नागपुर का भी अब इस इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं हर वक्त चाहता हूं कि मतलब नागपुर कंपैरिजन में मुंबई के आगे आ जाए। यस यस, नए नए कंसेप्ट, बिकॉज़ नागपुर बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, एंड इस इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और नागपुर के आसपास भी ऐसी कई जगह उनके फोटोग्राफ्स शूट किए जाते हैं, और प्री वेडिंग का क्रेज तो बहुत ज्यादा। वेडिंग में इतना क्रेज नहीं है, बट प्री वेडिंग कहते हैं ना कि लड़की आजकल शादी उसी मोबाइल फोटोग्राफी भी बहुत बढ़ गई है सर, क्योंकि मोबाइल फोटोग्राफी भी एक अलग है, उसके पिक्सल्स हैं वो बहुत अलग बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली कैसा है कि अभी ये एडवांस इतने कैमरा आ गए और उसका भी क्लियरिटी एंड ऑल बहुत ज्यादा। तो क्या शुरुआत की जा सकती है मोबाइल फोटोग्राफी से, फोटोग्राफी के प्रोफेशन को अपनाना है तो? या एक्चुअली मैं सजेस्ट करता हूँ कि मोबाइल फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो उससे आपको एक पर्सपेक्शन मिलता है। अच्छा। कि आपको क्या करना है, एक आपका साइट समझ में आता है। हाँ। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या है या फिर क्या स्पेशलिटी आपको देखनी है, तो वो फोटोग्राफी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ, क्योंकि अच्छे आजकल हाई रिजोल्यूशन मोबाइल कैमराज आते हैं, और अभी उसमें आजकल तो बहुत से इन्फ्लुएंसर वीडियोज एंड रील्स भी बनाते हैं, एंड दे कमर्शियली यूज इट एक्चुअली, तो वो तो उसके लिए डीएसएलआर भी नहीं लगता है उनको, वो तो मोबाइल फोटोग्राफी से ही करते हैं सब। तो मोबाइल फोटोग्राफी, उसके अवार्ड्स भी होते हैं आजकल जो मोबाइल फोटोग्राफी से फोटो खींचते हैं, क्योंकि एडवांस इतना ज्यादा हो गया ना, कंपटीशन। एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई कैमरा हायर नहीं कर सकता, कैमरा इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मोबाइल भी अब उसी को कम्पीट कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है। जी, अगर किसी फोटोग्राफी का प्रोफेशन अपनाना है तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो पेशेंस चाहिए आपको कि फोटोग्राफी करनी है तो, और थोड़ा वक्त लगता है स्टेबल होने में, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोफेशन है,
कि आपने ले लिया कैमरा और ऐसा नहीं है, आपको आगे का भी सोचना है और जो आपको मतलब डेवलप करना है स्किल, तो उसके लिए एजुकेशनली जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट भी आपको लेना ही है। मतलब आपको एक डिग्री तो आपके पास चाहिए ही, मतलब आप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं तो आजकल उसमें भी डिप्लोमा एंड डिग्रीज आने लगे हैं, 2 साल के 1 साल के। अगर आपको फुल फ्लेज करना है तो एज अ हॉबी तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन फुल फ्लेज आपको प्रोफेशनली करना है तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट कितने डेवलप हो रहा है। आपको हर टाइप की फोटोग्राफी करके देखना है कि उसके बाद ही पता चलता है कि आपको क्या एक्चुअली करना है। और मेन आपको सोशली एक्टिव रहना पड़ता है, कम्युनिकेशन आपके ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, एग्रेसिवनेस जो है वो कम होना है, क्योंकि उसमें क्लाइंट कम्युनिकेशन इज सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। आपको क्लाइंट रिकमेंड करेगा तो ही वो आगे जाके डेवलप कर सकते हैं या फिर आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, तो ये सब चीजें उसमें आता है। लेकिन ये है कि एक बार अगर आप कर लेते हैं वो अचीव, तो वो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेम या फिर आपको अमाउंट भी स्टेबल कर सकता है एज अमाउंट, एंड आपका करियर भी सेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है बस, लेकिन उसका आपको ध्यान रखना है और प्लानिंग करके। आजकल तो बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब उसके लिए कैमरास के लिए भी है, तो ये आप कर सकते हैं। आपकी जर्नी में इतने फेजेस रहे, आपने शुरुआत देखी, कठिनाइयों वाली शुरुआत देखी, हर्डल्स देखे, शायद बहुत ज्यादा टीजिंग देखी, बहुत ज्यादा लेग पुलिंग देखी, उसके बाद उससे आगे आए, आपने काम किया, उसके बाद आप माया नगरी जैसे शहर में आप अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर चुके हैं और काम कर रहे हैं और दूसरों को काम दे रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग, जो कि आज की जनरेशन में काम नहीं मिल रहा है, और दूसरों को काम देना एक बहुत बड़ी चीज है। आप अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, और एक अलग लगता है कि अरे ये सब अपन ने किया है, ये सोच के ही थोड़ा सा अलग लगता है, अच्छा लगता है। और वो सब याद है जिन्हों जिन्होंने जो टाइम पे साथ दिया था, वो सब का भी थैंकफुल हूँ मैं कि उनके वजह से ही आज जो कुछ भी है ये जर्नी सक्सेसफुल मतलब अभी चली रही है। तो मतलब वो एक अच्छा लगता है कि पीछे देखने के बाद, और सबको मतलब फैमिली को भी और सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है। हर किसी को लेकर एक नजरिया बन जाता है लोगों का, और स्पेशली अगर हम आपकी बात करें तो आपके लिए तो लोगों के नजरिए बहुत अजीब रहे होंगे, और इन नजरियों को बदलना और उस नजरिए को बदलने के बाद अपने आप को साबित करना, हाँ साबित करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि अगर कोई ठान ही ले कि नहीं कर सकता है तो उसको बदलना बहुत दिक्कत भरा हो सकता है, लेकिन वो भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपकी जिद और थोड़ी सी हिम्मत हौसला मजबूत चाहिए। वेरी ट्रू। आप नागपुर को कहाँ देखते हैं, क्योंकि अब नागपुर मेट्रो सिटी बनने जा रही है, टोटली अपनी कगार पर है कि नहीं? मुझे अच्छा लगता है कि नागपुर जितना फास्टली ग्रो हो रहा है, यहाँ का सराउंडिंग्स ग्रो हो रहा है, मेट्रो जो चालू हो गई है, मुझे मेट्रो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है नागपुर के लिए। आज भले ही वो इजीली मतलब अभी लोगों को आदत होने में थोड़ा समय लगेगा एज कम्पेयर टू मुंबई पुणे, लेकिन एक बार आदत लग जाए तो आपका मतलब लाइफ जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, और सब जगह पे डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है, मतलब मेडिकली आल्सो मैं देखता हूँ तो वो भी ज्यादा, एजुकेशनली भी नए नए कॉलेजेस है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आईटी कंपनीज मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे आ रहे हैं और वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ के रीजनल लोगों को जो जॉब मिल रहा है, जो आज बाहर जाते हैं मुंबई पुणे साइड हमारे जैसे, वो अगर नागपुर में ही सबको मिल जाएगा तो बाहर जाने की दिक्कत ही नहीं आएगी, सिटी भी ग्रो होगी और सिटी के लोग भी इजीली ग्रो हो जाएंगे। जी, स्पेशली ब्लेस्ड जो लोग होते हैं वो जब ऐसा कुछ कर जाते हैं तो कितना प्राउड फील होता है। और आप उन स्पेशली लोगों को क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज उनके लिए ये जर्नी बहुत टफ होती है। मैं बार बार सॉरी इसीलिए कहूंगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो स्पेशली ब्लेस्ड हैं, और स्पेशली ब्लेस्ड होने के बावजूद सारी चीजों को क्रॉस करके पार करके वो अब एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हर कोई होना चाहता है, तो आप स्पेशली उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि बस आपको जो फोकस है, आपका एम है, वो उससे दूर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए,
कितने भी दिक्कत है, क्योंकि वो आपको एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप एक डेवलपमेंट के हिसाब से या फिर तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से वो एक अपग्रेड लेवल होता है। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका फोकस जो है वो कहीं और जगह पे ना जाए। मतलब थोड़ा सा भी अचीवमेंट करने के बाद वो आपका जाना नहीं चाहिए। मैं हर वक्त कहता हूँ कि आफ्टर एवरी अचीवमेंट आई स्टार्टेड एज अ बिगिनर। तो वो हर वक्त आपको एक अचीव करने के बाद वो करना ही है आपको, कि शुरू से करना है। मतलब वो आपका कांस्टेंट जो है वो एम, वो कहीं दूर नहीं जा सकता। वेरी ट्रू। तो ये करना ही है आपको, मतलब कि एम अपना फोकस रखना ही है। जी, आपकी बातें, आपका काम और आपको देखकर जो इंस्पिरेशन मुझे मिला है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमारे दर्शकों को भी वही इंस्पिरेशन मिलेगा। कहते हैं ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। इनकी कद देखकर आप कभी बिल्कुल भी, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इन्होंने क्या क्या कर दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सच में ऐसा कुछ सोचा है कि आपके सपने हैं, सपने हर कोई देखता है, आप हम सब देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की जिद किस कितने लोगों में होती है वो देखने लायक बात होती है। जिद, पैशन अगर आपका हो तो आप हर सपना अपना पूरा कर सकते हैं और प्रोफेशनली आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज द रियल हीरोज में, क्योंकि हमारे लिए ये रियल हीरो हैं, ऐसे कई और रियल हीरोज से हम मुलाकात करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट में मीनाक्षी के साथ। लेकिन तब तक ली दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए वीके वी न्यूज। नमस्कार।